हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी कटिवाड़िया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने हैं मेरे दो करेला जो अभी बहुत छोटे हैं, मैं इनको अभी कट नहीं करूंगी। और आलू के जो प्लांट है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ काफ़ी सारे वीडियो में। तो जितने भी आलू के ऐसे बड़े बड़े प्लांट जो निकल चुके हैं, आप उनको किसी भी स्टिक से या किसी भी रस्सी वगैरह से उनको बांध दीजिए, नहीं तो ये लटक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का वीडियो जो है वो हमारा बहुत ही कमाल का है। ये सामने आपको मेथी दिख रही होगी, तो आज के वीडियो जो है बहुत कमाल का है, बिकॉज आज जो भी चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ बिल्कुल फ्री की है, वेस्ट चीज़ें हैं, फ्री की चीज़ें हैं। तो फ्री की चीज़ों का आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसका स्प्रे मैं अपने सभी जगह करूंगी। तो आज हमने बनाया है अपने फंगी पाउडर जो होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो बोतल आप देख सकते हो, एक लीटर में मैंने मुश्किल से एक डेढ़ चुटकी ही डाला है। तो सभी जगह मैं इसे स्प्रे कर देती हूँ और उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी साइड धूप आई हुई है, आप सब जानते ही हैं कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। दोपहर ही समझ लिए, दोपहर के एक डेढ़ बजे तक भी धुंध नहीं जाती है। लकीली आज सूरज निकला है, वो भी 12 बजे, और इस टाइम बज चुके हैं एक। ठीक है, तो मैं पहले स्प्रे कर लेती हूँ। सभी प्लांट पर स्प्रे कर सकते हो आप इसका, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। तो उसके बाद मैं पहले स्प्रे कर लेती हूँ, फिर वीडियो बताते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो पॉट रखा है बिल्कुल फ्री का है, जुगाड़ पानी किया है मैंने, और इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारी जो मेरी मेथी है वो ग्रो हो रही है। तो मैं आपको ये पॉट ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये जो अमेज़ॉन वगैरह से जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है वहाँ से ये जो आता है पैकेट, मैंने इसमें ग्रो किया है। ठीक है, मेथी बहुत अच्छी चल रही है इस बार गार्डन में। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके गार्डन में या जो आपके घर में चीज़ें अच्छी चलती हो वही ग्रो कीजिए, जो नहीं चल रही है उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे मेहनत करना बेकार है। सारी मेथी जो है वो बहुत अच्छी चल रही हैं। मेरे गार्डन में मूली और मेथी बहुत अच्छी चल रही है। तो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्री का माल हमारा क्या है ये देखिए, हैंड वॉश की ये जो लिक्विड आता है उसकी ये जो रैपर बचे हुए हैं, फ्री का ही है, वेस्ट है, इसको हमें फेंकना है। और एक और चीज़ जो मेरी वेस्ट है वो बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा फ्री का इंग्रेडिएंट। आपको पता ही है कि मैं मेथी दाना खाती हूँ, सॉरी उसका वाटर पीती हूँ, तो ये जो बच जाता वेस्ट है फेंकना ही होता है। तो मैं इसका गार्डन में यूज़ करती हूँ, या फिर पैक बना सकते हो इसका। बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किए हैं मेथी के, तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने अपने पॉट जो हैं फ्री वाले, उनमें मैंने अपनी मिट्टी फिल कर ली है और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ अपना मेथी दाना। ठीक है, तो देखिए ये 4-5 दिन के इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, आप सबको पता ही है बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से मैं टेरेस पर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मतलब हाथ काम ही नहीं करते थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो देखिए मैं इसको अच्छे से अपने दोनों पॉट में फिल कर लेती हूँ, तो उसके बाद आपको बताती हूँ। चलिए पहले आपको बता देती हूँ कि मिट्टी का रेशियो क्या रहेगा। तो देखिए 10 से 15% मैंने इसमें रिवर सैंड रखा है, 50% के करीब, 50 या 55% के करीब आप ले सकते हो अपना मिट्टी। और बाकी हिस्सा मैंने इसमें रखा है मेरा गोबर की खाद। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये मेरी गोबर की खाद है। किसी के पास अगर गोबर की खाद नहीं है तो वो ले सकता है वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट जो भी आपके पास हो। फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अपने घर का जो वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट जो है सब्जियों का और हमारे जो भी फ्रूट वगैरह हम खाते हैं उसका जो वेस्ट है, छिलके जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने घर पर ही रखिए, कंपोस्टिंग कीजिए, उसको बाहर मत जाने दीजिए। बिल्कुल मैं क्या बताऊँ, 100 out of 100 जिसे बोलते हैं ना, ऐसी खाद बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपको कंपोस्टिंग करना नहीं आता है कॉमेंट कीजिए या फिर मेरे चैनल पर जाइए, मैंने कंपोस्टिंग के वीडियो बना रखे हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कंपोस्टिंग करने में, कॉमेंट ज़रूर कीजिए, मैं बताऊँगी, बिल्कुल ईजी मैथड बताऊँगी जिससे बहुत जल्दी आपकी खाद बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने इन्वायरमेंट को अगर हमें बचाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचो गवर्नमेंट कर दे या कुछ भी, या मतलब कि हमारी सरकार ही सब कुछ करेगी, तो ऐसा नहीं है, कुछ हमें भी करना होता है। तो वीडियो पर ही आ जाते हैं, अपने टॉपिक पर ही। तो मैं अपनी ये जो मेरी बची हुई मेथी है ये अपने पॉट में, जो मेरे फ्री के पॉट है उनमें भर लेती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी जो मेथी है वो इसमें फिल कर दी है। तो देखिए फ्री का पॉट बनाना बहुत ही इजी है, पिछला वीडियो देख लेना फ्रेंड्स, जिसमें मैंने बताया है कि बिल्कुल ज़ीरो बजट पे आप कैसे घर पर अपने पॉट ढूंढ सकते हो और अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए ऊपर की तरफ थोड़ी सी मिट्टी फिल कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेथी बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट काम जो इसका है, ये हमारी मिट्टी जो है, सोइल जिसे बोलते हैं, उसकी फर्टिलिटी को ये बढ़ाती है। ठीक है, गुडनेस को बढ़ा देती है हमारी
सारी मिट्टी की, तो बिल्कुल इसको फेंकिएगा मत बिल्कुल भी, भूल कर भी मेथी को इसका रीयूज़ कीजिए अपने गार्डन में। तो देखिए पॉट जो हमने बनाया है उसके नीचे होल कर लीजिए, मैंने अभी होल नहीं किया है इनके बॉटम में, तो मैं होल कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स जब मेथी ग्रो हो जाती है ना तो मैं उसके ऊपर किसी भी चीज़ का स्प्रे वगैरह नहीं करती हूँ, बस इसको धूप पानी ही चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत सारे हैं मेरे चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार डालती हूँ क्योंकि बार बार नहीं डाला जा रहा है, मिट्टी सूख नहीं रही है इस वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें छेद कर लेती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स जब हमारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे तो आप बस इसमें अपनी नीम की खली जो है वो डाल सकते हो, और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालोगे तो बेस्ट होगा। तो देखिए पॉट उठा के बॉटम में दिखा देती हूँ कि मैंने इसका होल बना दिया है। ये देखिए आपको दिखाओ तो ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा नहीं ये मिट्टी आती हुई, ये मैंने होल बनाया है। दूसरा भी दिखाती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा से। तो देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में पॉट है, तो मैं उंगली लगाकर आपको नहीं बता पाऊंगी, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम इसमें कर देते हैं वाटरिंग। तो वाटरिंग फर्स्ट टाइम अच्छे से करना, आपको दिख रहा होगा कि मेरी मिट्टी जो है वो गीली ही है, फिर भी वाटरिंग तो करना ही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वाटरिंग अच्छे से करना है, और सेकेंड टाइम वाटरिंग आप कब करोगे, जब आपको आपका पॉट ऐसा दिखे बिल्कुल सूखा हुआ, ऐसे में ही आपको वाटरिंग करनी है। ऐसे वाला दिखे तो बिल्कुल नहीं करना, ऐसे वाला दिखे तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। देखिए सारे पॉट गीले हैं क्योंकि मौसम जो है वो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वाटरिंग आपको ऐसे करनी है। देखिए ये मेरी वेस्ट छलनी है जो मैं अपने किचन से लाई थी आटा छालने वाली, तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया है कि घर से किचन से कौन कौन सी चीज़ें आप लेकर अपना गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स सारी बातें मैं बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ बताना तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो देखिए मैं इसको यहीं रख देती हूँ, बिल्कुल टेरेस पर ही रखा है मैंने, ओपन एरिया में ही। तो देखिए जो चीज़ है, देखिए वाटर इसमें से निकल रहा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना फ्रेंड्स। तो देखिए होल बनाने का यही फ़ायदा है, अगर आप किसी भी पॉट में होल नहीं बनाओगे तो हमारे जो सीड हैं किसी भी चीज़ के सीड हो तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए मेरे तीन पॉट बिल्कुल रेडी है। आप सोच रहे होंगे ये साइड वाला क्या है, इसमें भी मैंने मेथी ही लगाई है। ये देखिए आपको जर्मिनेशन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, फ्री की चीज़ों को कैसे हम पॉट बना सकते हैं और कैसे फ्री के सीड हम घर पर ही ले सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं उनका, तो टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये जो बीच में हमारे आ रहा है ये स्पाइडर प्लांट की एक वैरायटी है, ये बेबी प्लांट है इसका, ठीक है, ये जो लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इंस्टा पे फॉलो कर लेना, इंस्टा की आईडी है सिस्टी क्रिएटिव गार्डन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।